तो आज जो वर्तमान सरकार है वो एकदम वोट बैंक की राजनीति के खातिर उसको प्रोत्साहित करना, उसको संरक्षण देना। फिर आप सबको ध्यान में होगा कि रांची में ही जो घटनाएं घटी उसके बाद आज तक उसका कोई रिपोर्ट कहीं कुछ आया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसमें तो शायद हाईकोर्ट भी कई बार डांट फटकार सरकार को लगाई। यानी आज राज्य में जो सरकार है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं वोट बैंक की राजनीति के कारण के खातिर पूरे राज्य को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने की एक प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अचानक ये घटनाएं है ऐसा नहीं है। अगर सिलसिलेवार कर्मवार अगर देखें कि सांप्रदायिक ये जो हिंसा या उन्माद जो बढ़ रहा है वो अचानक नहीं है, ये एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटना को अंजाम भी दिया जा रहा है। और आश्चर्य यह है कि और उसमें से सरकार की ओर से कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को संरक्षण मिल रहा है। और आप सब लोग प्रतीक्षा करें इतनी तादाद में, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि आज आप सब ने अखबार में पढ़ा पलामू की घटना, खास करके पाकी की जो घटना, बड़ा ही दर्दनाक घटना है कि इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार जो सांप्रदायिक उन्माद जो लगता है कि बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रहा है। कल जिस प्रकार से लोग बताया कि वहां पर जो कल भी हमने वहां के विधायक से बात की कि मामला कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि शिवरात्रि के दिन महादेव जी का बारात निकलता है तो बड़ा धूमधाम से जहाँ भी शिव मंदिर है वहाँ लोग पूजा करते हैं और बराती में भी बड़ा धूमधाम से नाचते गाते लोग जाते हैं। तो सामान्यतः जहाँ भी शादी ब्याह होता है तो आप सब लोगों को ध्यान में तोरण द्वार बाकी सारी चीज़ें बनती है, तो ये उसका एक पार्ट होता है। और उसी तोरण द्वार के बनाने के क्रम में जो झंझट हुआ या झगड़ा हुआ, फिर किसी का लोगों ने सर फोड़ दिया और उसके बाद स्वाभाविक है जो फिर हंगामा होता है और हंगामा होने के बाद जो घटनाएं आप सब लोग परिचित है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अचानक ये घटनाएं है ऐसा नहीं। अगर सिलसिलेवार कर्मवार अगर देखें कि सांप्रदायिक ये जो हिंसा या उन्माद जो बढ़ रहा है वो अचानक नहीं है, ये एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटना को अंजाम भी दिया जा रहा है। और आश्चर्य यह है कि और उसमें से सरकार की ओर से कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को संरक्षण मिल रहा है, यानी उनके ओर से पशुवित पुलवित जिसको कह सकते हैं। और जिस कारण से आज प्रदेश में एक प्रकार से जो सांप्रदायिक तनाव या तापीस वो अब एहसास हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि राज्य के लिए वो बिल्कुल राज्य के लिए समाज के लिए या विकास के लिए कहीं से भी वो उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। अगर इसी प्रकार की सद्भावना बिगाड़ती रही और सांप्रदायिक उन्माद फैलते रहा तो फिर राज्य एक और अंधेरे की गलियों में भटक जाएगी। अगर आप शुरू से देखें तो आज जो वर्तमान सरकार है वो एकदम वोट बैंक की राजनीति के खातिर उसको प्रोत्साहित करना, उसको संरक्षण देना। बोले अगर शुरू की घटना आप याद करें, लाहौर दगा की घटना, वो उसी प्रकार की घटनाएं घटी जो CAA के विरोध में विरोध कर रहे हैं उसके समर्थन में जो लोगों ने जुलूस निकाला परमिशन करके, और पुलिस के सामने फिर पथराव हुआ, जो घटनाएं घटी आप सब लोगों के समझ है ये सारे।
उसके बाद भी जो रिपोर्ट आया जो स्लीपर सेल बाकी वगैरह झारखंड में सक्रिय है और फिर, लेकिन सरकार की कोई कार्रवाई कहीं कोई दिखा नहीं उसका कि सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई किया हो। तो ये बिल्कुल लगता है कि सरकार अपनी वोट बैंक के कारण, वोट बैंक के खातिर बिल्कुल उसको क्या कहते हैं कि अंधे हो गए हैं या जानबूझ करके समाज को उस ओर धकेल रहे हैं। कोरोना काल में भी जो घटनाएं घटी वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो रांची में भी कई घटनाएं घटी और किस प्रकार से जो बाहर से लोग थे खास करके उसमें बांग्लादेशी भी शामिल थे, हम लोगों ने उस पर कई एक आवाज़ भी उठाई थी और कि रातों रात लोगों को, चाहे वो रांची क्षेत्र से हो कोडरमा क्षेत्र से हो, लोगों को फिर बांग्लादेश की सीमा यानी उसको पार कराया गया, उसमें सरकार के मंत्री इन्वॉल्व रहे। हमने उस वक्त भी कहा था कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो जब सरकार ही बोर्ड की राजनीति में लगी हो और कार्रवाई ना करे तब फिर घटना दिनों दिन जिसको बोलते हैं बढ़ते जाता है। फिर कोरोना काल में ही राजधानी में कोरोना जो वॉरियर्स होते हैं वॉलेंटियर्स होते हैं उसके ऊपर भी हमला हुआ था, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस प्रकार के घटनाएं और सरकार की ओर से भी, आप सबको याद होगा पिछले दिनों जब दुर्गा पूजा का समय था तो सरकार ने क्या कहा था कि भाई दुर्गा की प्रतिमा को थोड़ा सा छोटा किया जाए। यानी ये क्या दर्शाता है जो आज तक कभी ये हुआ नहीं अगर इस प्रकार की, तो ये कुल मिलाकर के कैसे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना या वोट बैंक की कैसे तैयारी करना उस पर ही सिर्फ ध्यान देना, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि फिर जामताड़ा में दलित परिवारों के बारे में आप सबको पता है बहुत दिनों तक क्या बोलते हैं वहाँ चौक पर कचहरी के पास लोग लंबी समय तक बैठे रहे, जिनको अपने घर से उन लोगों को निकाला गया था, फिर लंबी समय तक दलित लोग बैठे रहे, हम सब लोग भी गए और बाद में फिर वापस उसको किया गया, यानी उनकी जमीन को कैसे कब्जा कर रहा था। और प्रशासन बसरते कई एक समय तक ये कोशिश किया कि वो लोग वहाँ से दूसरे जगह चले जाए, उन लोगों को हटा दिया जाए, लेकिन वो दलित परिवार के लोग डटे रहे तो फिर वापस लौट पाए। फिर आप पालामू के पांडू की घटना आप सबको ध्यान में होगा कि आज भी दलित समुदाय के लोग सैकड़ों लोग जहाँ उन लोग रह रहे थे जिस जमीन पर, वो भी मदरसा की जमीन के नाम पर वहाँ से उन लोगों को उजाड़ा गया, आज भी उन लोगों को नहीं बैठाया, अरे वह जा करके दलित परिवार के लोग थाना परिसर में लोग रह रहे हैं आज भी, कोई जा करके देख सकते उसी पलामू के धरती में। तो ये जो दिखाता क्या है भाई, जो लोग दलित परिवार वर्षों वर्षों से जो लोग जहां रह रहे हैं अगर उनके पास कोई कागज नहीं है तो सरकार का काम था उसके कागज बना देना और उनको वहां से हटाना नहीं, लेकिन सरकार जानबूझ करके, आप को तो लगता है कि नहीं हमने उनको कहीं और बसा रहे हैं लेकिन कहीं और जाने के लिए लोग तैयार नहीं है तो थाना परिवार परिसर में उन लोगों को रखा गया है। तो स्वाभाविक है जो इस प्रकार के जो तथाकथित जिसको कहते हैं उन्माद लोग जो पैदा करते हैं, एक प्रकार से सरकार वैसे लोगों को प्रोत्साहित दे रहे, उसी पलामू की घटना जहाँ पर जो कल घटना घटी, फिर सिमडेगा का घटना आप सबको पता ही है, विधानसभा में जो नमाज काज के बारे में काफ़ी आंदोलन भी हुआ, कमेटी भी सरकार ने बनाई लेकिन आज तक कोई कमेटी का रिपोर्ट ही नहीं आया। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से राज्य सरकार ये काम कर रही है। फिर पिछले दिनों जो खास करके जहां पर वर्ग विशेष के लोगों की आबादी अधिक, तो फिर उसको वहाँ की स्कूलों को उर्दू विद्यालय घोषित करना, प्रार्थना की पद्धति में बदलाव लाना कि भाई हाथ जोड़ करके नहीं करना, तो वगैरह वगैरह, फिर लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे इस प्रकार के जो तत्व है समाज में उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है
और उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। फिर बाकी जो पेट्रोल से जलाना या पहाड़िया को टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देना, फिर अभी आप देखें शिवरात्रि के अवसर पर ही सरकार की ओर से आपने देखा कि देवघर का भी आपने पढ़ा होगा कि भाई 144 लगा दिया कि भाई सीमित संख्या में बाकी वगैरह या रूट वगैरह चेंज करना, जो एजिटेशन चल रहा है कि भाई क्या मतलब है सरकार ये जानबूझ करके, यानी राज्य को प्रभोक करना और सांप्रदायिक हिंसा में धकेलना, उस ओर राज्य सरकार राज्य को ले जा रही है। ये राज्य सरकार बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है, उसमें झांकी पर प्रतिबंध लगाना, उसकी ऊंचाई को कम करना, ऐसे एक प्रकार से ये जो जितनी उपद्रवी तत्व हैं उनकी मनोबल को बढ़ाना, और उससे अधिक दूसरा कुछ नहीं है। अब जब उसकी मनोबल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की हिंसाएं, फिर आप सबको ध्यान में होगा कि रांची में ही जो घटनाएं घटी उसके बाद आज तक उसका कोई रिपोर्ट कहीं कुछ आया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसमें तो शायद हाईकोर्ट भी कई बार डांट फटकार सरकार को लगाई। यानी आज राज्य में जो सरकार है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं वोट बैंक की राजनीति के कारण के खातिर पूरे राज्य को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने की एक प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं। ये राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सर्वथा कहीं से भी कोई उचित नहीं है। और आज भी जो जानकारियाँ मिली है कि कल से कि पुलिस अनावश्यक रूप से, कि स्वाभाविक है जब कोई इस प्रकार की घटनाएँ घटती है तो फिर रिएक्शन होता है, तो जिस प्रकार से धड़ पकड़ या लोगों को परेशान करना, तो मैं कहूँगा कि भाई सरकार को संयम बरतना चाहिए। और मैं बार बार की बात कहा करता हूँ कि भाई हमें हर हमेशा मानवीय मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नैसर्गिक जो नियम है उसकी पालन होनी चाहिए, और इसमें सरकार को कहीं कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। जो कि मैं लोगों को बताता हूँ, आप सब लोग याद कर सकते हो, याद करिए, जब अलग झारखंड राज्य बना, हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो ईद और दुर्गा पूजा हम दोनों चीज़ समाप्त होने दिए, एक बार दोनों समुदाय का पर्व समाप्त हुआ, और इसके बाद हम उपायुक्त को बोले और SP को कि भाई दोनों समुदाय को बिठा करके बोलो, ईद में सड़क पर भी नमाज नहीं पढ़ेंगे लोग, और दुर्गा पूजा में सड़क पर जो पंडाल लगाते ये भी नहीं लगना चाहिए। और आप सबको याद होगा, अगर उस समय के लोग होंगे तो सारे पंडाल अंदर चले गए, और फिर सड़कों पर जो ईद का जो मेला लगते थे, एकदम सड़क जाम हो जाता था उस वक्त, उसको भी हमने खाली करवा दिया था। हमने कहा कि भाई एक बार, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जब होती है तो उनको कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और न्याय, जो मैं बार बार कहता हूं कि भाई मानवीय दृष्टिकोण और नैसर्गिक न्याय के हिसाब से लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कोई किसी को परेशान करे, तंग करे, चाहे वो जाति आधार पर, चाहे वो मजहबी आधार पर, तो ये कतई सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन इस राज्य में जो आज जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तो ये जानबूझ करके वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को या राज्य को हिंसा की ओर धकेल रही है। ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है। हम उसका निंदा करते हैं और सरकार से हम आग्रह करते हैं उन चीज़ों पर गंभीरता से सरकार विचार करे और कठोरता से पेश आवे इन सारी चीज़ों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in